हेलो एवरीवन, टेस्टी कुकिंग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही सिंपल सी टेस्टी सी टमाटर की चटनी। तो शुरुआत करेंगे इस टमाटर की चटनी को बनाने के लिए। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हम लेंगे लगभग 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसे धो करके सुखा लें और इसे साइड में रखें। फ्रेश धनिया पत्ती, एक छोटी हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 पुदीना की पत्तियाँ, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच जीरा। अब हमने जो टमाटर लिए हैं उन्हें इस तरह से चाकू में फंसा करके गैस में सेक लेंगे। गैस में इन्हें अच्छी तरह से भूनना है, इससे हमारी जो टमाटर है उसमें भुना हुआ टेस्ट आएगा और प्लस इसकी जो आउटर लेयर है, जो स्किन होती है, छिलका जिसे कहते हैं, वो निकल जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बट अच्छी तरह चारों तरफ से इसे हमें भूनना है। हम चाकू को घुमा करके अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से भून लेंगे। ये देखिए मेरे चारों टमाटर भून गए हैं और अब हम इस तरह से थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी स्किन, जो इसका कवर है, वो निकाल लेंगे। इसे हमें धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे ही साफ़ हो जाती है, पूरा जो उसका जो स्किन है वो निकल जाता है। इसी प्रकार से आप अपने चारों टमाटर की स्किन निकाल लीजिए और फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी में बीज ना हो तो इस पॉइंट पर आप इसके बीज निकाल के अलग कर सकते हैं। और अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। मैं इसे मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ, पूरा प्यूरी नहीं बना रही हूँ, इसे ब्लेंडर जार में या फिर ग्राइंडर में इसे सिर्फ ग्राइंड करूँगी। तो अपने सारे टमाटर डाल लें उसमें। अब लहसुन की कलियाँ जो हमने ली हैं, हरी मिर्च का टुकड़ा उसे काट करके डाल दीजिए। धनिया पत्ती को भी आप इसमें काट करके ही डालिए क्योंकि लंबे लंबे धनिया पत्ती जो है वो फंस सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा कट कर लें। पुदीना के पत्ते डाल दें और इसी जार में 1 छोटी चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे हम इसमें। जीरा और नमक इसी में डालने से क्या होता है, हमें बाद में उसको मिक्स करने की टेंशन नहीं रहती है, वो हमारे चटनी के पिसने के साथ ही वो अच्छी तरह से पिस जाते हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही अच्छा है, ये पूरा पेस्ट भी नहीं है और इसमें बहुत बड़े बड़े दाने भी नहीं हैं। तो ये चटनी आप अपने घर पे ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।